हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, यह है तो एक छोटा सा देश, लेकिन इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आपको किसी भी चीज में पैसे देने की जरूरत नहीं है। न तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में पैसे देने होते हैं और न ही हॉस्पिटल में इलाज कराने में। इस देश के राजा के पास पैसा इतना है कि मानो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक जबरदस्त कार्स हैं यहाँ के लोगों के पास। इस देश के मस्जिदों की खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये है एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश, ब्रुनेई। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले तो आपको बता दूं इस देश के नाम का मतलब। ब्रुनेई देश का मतलब है अबोर्ड ऑफ पीस। आबादी के मामले में ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 4,33,000। देश के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 83 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिख जाएंगे। यहाँ पर 80% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 20% लोग ही गांव में रहते हैं। ये देश बहुत ही यंग है और यहाँ की औसत उम्र है 32 साल। बंदर सेरी बेगावन ब्रुनेई की राजधानी है, जो एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है। ये दो इलाकों का एक शहर है। शहर के कुछ हिस्से जलीय जिलों में फैले हुए हैं, जबकि कुछ सूखे भूमि के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। शहर के आसपास बहुत ही खूबसूरत समुद्री तट हैं, जो दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर बना जमीन के ऊपर सोने के गुंबद वाला सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद अपने शानदार डिजाइन के लिए पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। ब्रुनेई देश में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और लोग इस्लाम धर्म को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। इस देश में कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसे अपने धर्म के बारे में न पता हो। साथ ही यहाँ के लोग दूसरे धर्म के लोगों को भी उतना ही प्यार देते हैं। अब ब्रुनेई के किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं और आराम से समय बिता सकते हैं, लेकिन यहाँ मस्जिद में जाने के लिए मस्जिद का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, ब्रुनेई देश में हर आदमी के पास एक कार है। 2017 में जारी किए गए आंकड़े में बात सामने आई थी कि यहाँ हर 1.5 आदमी पे एक कार था, जिसे 3 सालों में ही बदल के रख दिया ब्रुनेई के लोगों ने। आज के दिन यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही कार्स भी हैं। आपको एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार्स यहाँ नजर आएंगे। यहाँ तो टैक्सी के तौर पे भी ऑडी का इस्तेमाल किया जाता है भाई। लोगों के पास हद से ज्यादा पैसे हैं और लोग उड़ाते भी हैं। ब्रुनेई के लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के कुल आबादी में से 51% लोग मोटापे का शिकार हैं। यहाँ की सरकार इसको लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन अभी तक इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकना मुश्किल हो रहा है। और तो और, यहाँ के स्कूल जाने वाले बच्चे भी जरूरत से ज्यादा मोटे हो रहे हैं। ब्रुनेई दुनिया के कुछ चंद देशों में शामिल है जहाँ के लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। ब्रुनेई के लोग वाकई में लकी हैं कि इन्हें बस कमाना है और अपने ऊपर पैसा उड़ाना है। देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ऐसे में यहाँ के लोगों को न तो अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना है, न ही किसी और चीज के बारे में। बुढ़ापे में जैसे हमें लगता है कि हम बीमार हो गए तो क्या होगा, वैसे यहाँ के लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रुनेई के लोगों के पास अच्छी नौकरियां भी हैं और बाकी किसी भी चीज के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ी नाइंसाफी की बात है कि ब्रुनेई में गे और लेस्बियन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश में कोई भी मेल अगर मेल के साथ और फीमेल अगर फीमेल को प्यार करते देख गए तो समझिए कि उनका काम तमाम है। 2014 में नियम बनाया गया था कि ऐसे लोगों को 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन 2019 में इसे और कड़ा कर दिया गया। और यहाँ पर अगर आपको इस तरह की हरकत या शौक पालते हुए नजर आता है तो समझिए कि उसे मौत की दर्दनाक सजा दी जा सकती है। ब्रुनेई के नियम इतने सख्त हैं कि कोई चाहकर भी यहाँ क्राइम नहीं कर सकता। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में जो क्राइम करते हुए एक बार पकड़ा गया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बता दूं कि ब्रुनेई में कई सारे ऐसे पनिशमेंट्स आज भी हैं जिनके नाम सुनकर यहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि आज भी यहाँ केनिंग पनिशमेंट दी जाती है। इसलिए इस देश में कोई क्राइम करता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पकड़े गए तो उसे स्टिक से इतना मारा जाएगा कि उसकी जान निकाल दी जाएगी। इसी पनिशमेंट के डर से देश में आजकल कोई भी क्राइम करने की बात सोचता भी नहीं है। सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर आप अकेले भी रात में बिना किसी डर के घूम सकते हैं और कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। अगर किसी ने भी किसी को तंग करने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि पूरी जिंदगी याद रहे। सही बात तो सही है, क्राइम को रोकना है तो उस तरह की सजा तो देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ब्रुनेई में शराब पीना और किसी भी तरह का नशा करना पूरी तरह से बैंड है, और अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भी खतरनाक सजा दी जाती है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं और नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो 2 लीटर तक शराब अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वो उसे पी भी सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के लिए इसे खरीदना और बेचना इलीगल है। बहुत ही अतरंगी है इस देश के नियम कानून। अदाई अदाई डांस ब्रुनेई का ट्रेडिशनल डांस है और इसे मलेशिया के दारुसलाम, सबा और लबुआन में किया जाता है। ये डांस मछुआरों के जीवन पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहाँ के सुल्तान के बारे में।
दुनिया के सबसे पैसे वालों की बात की जाए तो उनमें से एक है ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोलकिया। पर्सनली तो वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये है बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान। मतलब कि इन्होंने कई बार शादियां की हैं, कभी फर्स्ट कजन से, तो कभी एयर होस्टेस से, तो कभी अपने से कई गुना छोटी उम्र की टीवी होस्ट से। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की कई टॉप मॉडल्स आती हैं ब्रुनेई में रॉयल फैमिली को एंटरटेन करने के लिए। बदले में सुल्तान बोलकिया इनके ऊपर पैसों की बारिश करते हैं। सुल्तान बहुत ही रोमांटिक मिजाज के इंसान है। ब्रुनेई की करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। एक ब्रुनेई डॉलर इंडियन करेंसी के हिसाब से 54.61 रुपए है, जो कि हद से ज्यादा महंगा है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक ब्रुनेई का लिटरेसी रेट है 97.21%, जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों, ब्रुनेई में मेन सोर्स ऑफ इनकम है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। देश के सबसे अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं एशिया के जापान, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया। इन सभी देशों से हर साल ब्रुनेई को बहुत बड़ी रकम की रेवेन्यू मिलती है और इसीलिए ये देश इतना अमीर बन पाया है। ब्रुनेई खेलों के मामले में सबसे कमजोर देशों में से एक था, लेकिन 1999 के बाद से इसमें काफी सुधार हुआ है। यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल बहुत फेमस है। स्पेन की टीम को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। ये लोग फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम को सपोर्ट करने के लिए नारे भी लगाते हैं। साथ ही आपको फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के भी यहाँ पे खूब सारे फैंस नजर आएंगे। ब्रुनेई असल में एक फुटबॉल लविंग नेशन है। ब्रुनेई के लोगों के बीच में रंगीन कपड़ों को पहनने का बहुत शौक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसे कपड़े पहनने से गुड लक बना रहता है। इन्हें लगता है कि अगर ये कलरफुल कपड़े पहनेंगे तो इनकी किस्मत भी चमकेगी। लोग सबसे ज्यादा येलो कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इसके साथ ही ये रेड पैंट्स भी खूब पहनते हैं। ब्रुनेई देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ काम का मतलब काम होता है और कम से कम यहाँ लोग तकरीबन 9 से 10 घंटों की मेहनत करते हैं और ऑफिस में भी खूब सारा पसीना बहाते हैं। अपने काम को यहाँ के लोग फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, जो कि काबिले तारीफ है। यही वजह है कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो अपने देश के लिए और अपने देश की तरक्की में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि दिन रात काम करने का मतलब है कि आप अपने देश के लिए सैनिकों की तरह काम कर रहे हो। साथ ही दोस्तों, ब्रुनेई देश के लोग बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की खूब तारीफ हर जगह होती है। लोग यहाँ एक दूसरे की मदद हर समय करने को तैयार रहते हैं। वेल दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में नॉनवेज खाना बहुत फेमस है। यहाँ लगभग रोजाना हर किसी के घर में नॉनवेज बनता है। ब्रुनेई में जब आप घूमने के लिए जाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि किस खूबसूरत देश में आप आए हो, क्योंकि यहाँ का खाना है ही इतना जायकेदार। सबसे ज्यादा इस देश में गोट मीट को पसंद किया जाता है और लोगों के बीच में गोट मीट बनाना और खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ गोट मीट बनाने का एक बहुत अनोखा तरीका है। मीट को जमीन के नीचे डालकर मिट्टी की ताप में ही पकाया जाता है, तभी तो कहते हैं कि ये जन्नत है नॉनवेज खाने वालों के लिए। साथ ही ब्रुनेई के लोगों के बीच में कॉफी और ग्रीन टी पीना सबसे पसंद की बात है। लोगों के दिन की शुरुआत ग्रीन टी या कॉफी पीने के बगैर होती नहीं है। वहाँ पर कॉफी में भी मलाई डालकर पी जाती है, जो कि आपको घर घर में पीने को मिल जाएगा। अगर आप भी कभी ब्रुनेई जाएं तो इसे जरूर ट्राई करें। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर चीज भी बहुत खाते हैं। हर खाने में आपको यहाँ के लोग चीज मिलाकर खाते हुए दिख जाएंगे। ब्रुनेई में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ब्रुनेई की खासियत है यहाँ की बीचेस। यहाँ एक से बढ़कर एक बीचेस हैं जहाँ आप अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। मुआरा बीच, पेनांजोंग बीच और सेरासा बीच काफी फेमस है। यहाँ आपको बीचेस के किनारे घूमने में बहुत मजा आएगा। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना समय समुद्र किनारे धूप में बैठकर भी बिता सकते हैं। यकीन मानिए, ये भी बहुत ही कमाल का होता है। ब्रुनेई एक शानदार देश है। छोटा है लेकिन इफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको मौका मिले तो आप इस खूबसूरत देश को देखने जरूर जाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश के लोगों के बीच में आज भी ये अंधविश्वास है कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए तरह तरह के ताबीज पहनते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रुनेई के लोगों का मानना है कि आप में से किसी को भी अपना बना सकते हैं। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं और हर चीज का एक तंत्र मंत्र होता है। कितनी अजीब बात है। लगता है यही वजह है कि यहाँ के लोग इतने छोटे देश होने के बाद भी इतने ज्यादा अमीर हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दूं कि ब्रुनेई में आपको हर जगह साफ सफाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी इंसान गंदगी नहीं फैलाता है, क्योंकि ऐसा करने पर यहाँ भारी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ की सड़कों को देखकर आपको लगेगा मानो आप किसी यूरोप के देश में आ गए हो। इतनी साफ सड़कें हैं यहाँ की। साथ ही यहाँ पर आपको न तो कोई किसी से ज्यादा बात करता दिखेगा और न ही कोई किसी के काम में दखल अंदाजी करता हुआ। सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं और अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। दोस्तों, ये था सबसे छोटा लेकिन सबसे अनोखा देश ब्रुनेई। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको ब्रुनेई की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो ब्रुनेई, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।